मुसलमानों को न तलवार निकालो, जब तो ऐसे जबरदस्त फनकार और अदाकार भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सिल्वर स्क्रीन को दिए हैं। लंबी लिस्ट तो नहीं, लेकिन 3-4 नाम गिनाना मैं जरूर पसंद करूंगी जो हमारे अर्जुन भाई की देन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे जूही चावला, शक्ति कपूर अर्जुन भाई के लिए और उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उनके लिए, और धर्म जी के लिए, और अब आमदम बस। और हम सब ये महसूस करते हैं कि आजकल चारों तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है, आतंकवाद फैला, लूट मार, दंगे फसाद, परेशानियां हैं, ऐसे में ये किताब जो है मेरा ख्याल है न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरी सोसाइटी और समाज और देश और विदेश में रहने वाले इस बात का एहसास हुआ कि इस किताब में खुश रहने के वो तरीके हैं कि दुखी से दुखी इंसान भी अपने दुखों को छोड़कर कह लगाना शुरू करेगा और उसके लबों पे तबस्सुम यानी मुस्कुराहट। हमारे अर्जुन भाई के कलम को और ज्यादा ताकत दी अपने सहयोग से, अपनी ताकत से, अपने साथ से। और इन लोगों ने ये फैसला किया है कि इस किताब से होने वाली जितनी भी आमदनी होगी, जो यही है इबादत, यही दीनो ईमान, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मेरा ख्याल है मुझे अगर कोई रोके। I came from Karachi to Bombay and hope that I'll do something. With the grace of God and lovable, loving cooperation. Who's that superpower that has created this universe? And what is the purpose of ka soch aur 2 saal ki kadi mehnat ke baad lagan se aur mehnat se with heart, liver and lagan what you can achieve anything. You see, we are allowed to work without our written permission. और जो भी तुम बाहर एक हफ्ते के बाद आया उसे ढको देगा 50% इस बार उसको काम से इसका प्यार एंड टुडे ही सच अ रिस्पेक्टेड एंड लवेबल मैन स्टिल टुडे स्टिल टुडे। तो ये मैं किताब लिखी है टेक इस मैटर देन और ये दिस इज माय फर्स्ट बुक and all the prophets of the world can be. I am not to request them to please be here. And my friend K.S.R. Motwani, who is not well, that's why he has not come. He was the first to really appreciate our love and be my first sponsor. We are a very generous director. I thank you all, and I also thank my wife. तो अब हम लोग जिस हस्ती को सुनने के लिए बेधर्म भैया से विनती करूंगी कि आए अर्जुन भाई के बारे में और हाउ टू बी हैप्पी के बारे में कहें और हम सबके दिल और दिमाग की तृप्ति करें, तालियां जोरदार करें। महबूबा से रूठ जाता कभी मेरी महबूबा मुझसे, तो ये खेल 40-45 साल तक चलता रहा। आफताब से रोशनी चुरा कर दिन ब दिन हसरत बढ़ती गई कि कैसे बॉम्बे पहुंच जाऊं, कैसे मैं भी एक्टर बन जाऊं, कैसे मैं अपने उन भाई बहनों उन दोस्तों में उन हसीनों जमील दिलीप। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, हमारे थोड़े से खेत थे, हम खेती भी करते थे। उन दिनों फिल्म में जाने का जिक्र करना एक घर वालों पे बिजली गिराने के बराबर था। मैंने डरते डरते अपनी माँ से कहा कि बीजी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं किसी तरह बॉम्बे जाना चाहता हूँ। मेरी माँ जैसे डर गई, सहम गई, कहने लगी देखो तुम घर में बड़े बेटे हो, तुम्हारे बाबूजी स्कूल में पढ़ाते हैं, इतनी इनकम नहीं है हमारी, तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी आने वाली, तुम कैसे जाओगे, तुम सोचो मत, तुम्हारे साथ बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। मैं अपनी माँ के एहसास को समझ गया और उनका हाथ पकड़ कर वादा किया कि माँ मैं कभी बॉम्बे नहीं जाऊंगा।
ना जाने क्यों मेरी माँ को मुझे तरस आ गया। कहने लगी, बेटे तुम, लगा मालिक ने मेरी माँ की उन शब्दों को सुन लिया कि अर्जी भेजकर तुम ये नौकरी हासिल क्यों नहीं कर लेते। वक्त गुजर गया मां से बात किए हुए, अर्जी नामा छप कर आया कि नए हीरो हीरोइंस की जरूरत है और वो भी महान डायरेक्टर्स के बॉक्स में। वो अपनी तस्वीरें डाल दी और इस प्रतीक्षा में रहा कि कब बुलाएंगे। तो तजाने के एक दिन खत आ गया कि आपको फर्स्ट क्लास का फेयर दिया जाएगा, यू विल बी पुट अप इन ए 5-स्टार होटल एंड यू विल बी गिवन ए स्क्रीन टेस्ट बाय विमल रॉय जी, गुरुदास जी। अब ना मैंने 5-स्टार होटल देखा था, ना मुझे बॉम्बे ऐसे लग रहा था कि बहुत दूर है मेरे गांव से। तो फिर मुझे शक हुआ कि ये सचमुच फिल्म फेयर वालों ने ही बुलाया है। कई लोगों ने कहा कि वहां बहुत से झूठ मूठ के लोग हैं, ऐसी कंपनी है, आपको बुला लेंगे और ये होगा वो होगा। तो मैंने फर्स्ट क्लास की बजाय थर्ड क्लास का टिकट लिया। अब मैं अर्जुन भाई का जिक्र करूंगा आपको। विमल रॉय जी के पास जा रहे थे वैन में, अचानक अर्जुन साहब, वरना आपने जो मुझे वादा दिया है, जान डाल दी है मेरे अंदर, मैं एक बहुत ही अजनबी जगह, एक ऐसे लग रहा मैं विदेश में आ गया हूँ पंजाब से। अर्जुन हिंगोरानी ने वो वादा निभाया, फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में मुझे साइन किया। बाकी उन्होंने बताया कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किए। मैंने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आई वॉन्ट, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, इसमें जो संतोष है। सुबह माधव से दुआ की कि आज इसकी किताब लॉन्च की जा रही है, वो सब तमाम बातें जानता है जो इसमें लिखी हुई है। खुशी को कैसे हासिल करना है हर किसी को मालूम है, लेकिन हम कि ये किताब आपको याद दिलाएगी कि आप कैसे आगे चलना है। आपके अंदर की बात है, इसकी किताब खूब बिके और ये मैं देखूंगा कि चैरिटी में ये पैसा चैरिटी में ही जाएगा। तो एक नेक नीति से ये कदम उठाया मेरे भाई ने, मैं भी मिलेंगे और हो सकता है मैं उन्हें पिक्चराइज भी करूं। मैंने एक ऐसी सिचुएशन पे कि जब धर्मेंद्र बिल्कुल ही फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गया है, किसी चौराहे पर बैठा है, तनहा गाड़ी दूर खड़ी करके उदास है, किसी मल्टीप्लेक्स का शो खत्म हुआ, उसमें से बच्चे हंसते हंसते पास से गुजरे, एक आवाज आई कि नहीं नहीं मैं गुमशुदा नहीं, हाँ किसी को मेरी तलाश नहीं, मैं दूर नहीं किसी से मगर कोई मेरे पास नहीं। गुजर जाते हैं पास से, पहचानता कोई क्यों नहीं, सोच कर मन भर आता है, आंसू में बहाता नहीं। फिर सोचा चलो यूं ही सही, मुझे ऐसे भी जीना आता है, हर दौर से गुजरा हूं, हर रंग में जीना आता है। खुश रहिए, ऐसी कई चीजें मैं दिख रहा हूं और आपके लिए, आप सबके लिए, आप कई लोग मुझे प्यार से धर्म भी कहते हैं, मीडिया ने मुझे धर्म, ईमान, पता नहीं बहुत सी पदवियां दी। सर यहाँ पर एकदम सर यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी देखिए सर, यहाँ देखिए पढ़ेंगे बहुत पहले पढ़ी पढ़ प्रेम साहब, सर प्रेम जी, प्रेम साहब नहीं ना, ये ना आई चिल्ले के जेंटलमैन सर, मतलब तो मूवी है ना, है
लेकिन आपके दिलों पर डिपेंड करता है कि किताब दीजिए जल्दी मदद से जाएगा और जितना मैक्सिमम दे सकते हैं उनके अलावा बाहर It depends on what sort of a joke you crack on, either off the screen or on the screen, and how you. Mostly on the screen. Thank you so much. Thank you. Thank you. We'll be there. हाँ आप लोग सब क्या ये वजह कि इस किताब के लिए आना है? खुशी आपके लिए क्या मायने रखता है? खुशी मतलब बहुत अच्छी बात है. ऐसी किताबें इंस्पायर करेंगी लोगों को जो इस कदर उलझे हुए हैं मुसीबतों में और मुश्किलात में और ये जो हालात से आज के चारों तरफ हैं इतने गंभीर किस्म के हैं. सच बुक्स आर ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर दोज पीपल हु आर सीकिंग पीस एंड हैप्पीनेस. थैंक यू वेरी मच. आपने ये किताब पढ़ी है? आई विल बी रीडिंग द बुक. आई हैव जस्ट बीन गिवन दिस बुक नाउ. थैंक यू.